हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस। और भाई, आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 और सवाल नंबर 10 हमने यहाँ पर भाई लिखा हुआ है। अगर आपको इसके पहले के सवाल देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। देखो, जो सवाल नंबर 10 है भाई, वहां पर क्या कह रहा है कि एक तरफ एक्स अक्ष है और भाई एक तरफ एक रेखा है जो इन बिंदुओं से होकर जाती है। आपको ये वाली जो रेखा है और जो एक्स अक्ष है, इन दोनों के बीच का ना कोण ज्ञात करना है। समझ में आया? एक्स अक्ष और जो रेखा इन दोनों बिंदुओं से होकर जाएगी, उसके बीच का हमें कोण ज्ञात करना है। देखो, कोण ज्ञात करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि भाई M1 और M2 मालूम करो, टेन थीटा वाला सूत्र लगाओ, भाई सवाल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे भाई, मान लो कि ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रेखा ए बी की प्रवणता या भाई ढाल ज्ञात करने वाले हैं। इसे आप एम मानकर चलोगे। सूत्र होता है हमारा y2 - y1 / x2 - x1। यहां पर आप x1 y1 x2 y2 डाल लीजिएगा। अब देखना m का मान क्या आ जाएगा, y2 - y1, y2 है -2 और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। ऐसे ही x2 है 4 और वहां हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। ऊपर आएगा -1, नीचे आएगा 1, कुल मिलाकर आंसर आ गया -1। अब देखो m का मान क्या आ गया, -1। अब देखो ढाल होती क्या है भाई, शुरुआत में हमने इंट्रो वाले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि ढाल क्या होती है। देखो ढाल होती है हमेशा m बराबर tan थीटा, जहां थीटा क्या होता है, थीटा होता है धन x अक्ष से बना हुआ कोण। तो अगर हम लोग यहां पर थीटा निकाल देते हैं तो रेखा एक्स अक्ष के साथ जो भी कोण बनाती होगी वो तो आपको ऐसे ही मालूम पड़ जाएगा, आपको भाई वो वाला सूत्र लगाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो m का मान है -1, tan थीटा बराबर रख दो -1। tan में -1 किसका मान होता है, मान होता है 3π/4 का, ठीक है? तो थीटा का मान सीधा क्या आ जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा 3π/4। तो जो ये थीटा होता है ये क्या होता है, ये होता है धन एक्स अक्ष के साथ बना हुआ कोण। और सवाल में कह रहा था कि जो ये रेखा है ये एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगी, कोण बनाएगी 3π/4। सिंपल है ना एकदम। तो रेखा की प्रवणता निकाली, थीटा निकाला और भाई सीधे आंसर मिल गया आपको। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 10। अब भाई प्रश्न नंबर 11 पे आ जाओ। देखो क्या कह रहा है कि यहां ना हमारे पास कोई दो रेखाएं हैं जिसमें एक की प्रवणता दूसरे की प्रवणता की दुगुनी है। जो एक की ढाल है वो भाई दूसरे की ढाल की 2 गुनी है। तो आप यहां मान लो कि जो हमारी पहली रेखा है, ठीक है, किसी को भी आप पहला मान सकते हो और भाई किसी को भी आप दूसरा मान सकते हो, क्योंकि भाई आपको कोई जानकारी नहीं है कि कौन सी रेखा पहली है कौन सी दूसरी है। तो यहां आप लिखोगे पहली रेखा की ढाल जो हमारी M1 है, इसे आप M मानकर चलो। फिर दूसरी रेखा की ढाल जो हमारी M2 है, उसे आप मान लो कि भाई ये 2M है। कह रहा है कि एक रेखा की ढाल दूसरे की 2 गुनी है, तो अगर इसकी आपने M मानी है तो इसकी आप 2M मान लो। अब कह रहा है कि दोनों रेखाओं के जो बीच में कोण बन रहा है उसकी स्पर्शज्या का मान 1/3 है। स्पर्शज्या जो होती है वो होती है टैन, अर्थात कोण की टैन में वैल्यू कितनी है, 1/3 वैल्यू है। अब अगर आपको M1 और M2 मालूम है तो आप सीधे ही टैन थीटा का सूत्र लगा सकते हो। टेन थीटा को आप टेन अल्फा भी लिख लो, बात एक ही होती है। M1 - M2 1 + M1 * M2, ये भाई सूत्र होता है। देखो मान रख लो यहां पर M1 है हमारे पास M - 2M, M है।
M1 M है, M2 है 2M, 1 + M × 2M, और भाई वैल्यू है 1/3 के बराबर। अब इसे आप हल करो, यहां हो जाएगा -M और यहां हो जाएगा 1 + 2M² बराबर 1/3 आ जाएगा। तिरछी गुणा करो तो भाई यहां हो जाएगा 1 + 2M² बराबर -3M। सब कुछ एक तरफ ले लो, 2M² + 3M + 1 = 0। देखो ये एक द्विघात समीकरण बन गया है, तो यहां पर गुणनखंड भी हो जाएंगे, ठीक ना। 2M² जो 3M है उसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, गुणनखंड करने के लिए 2M + 1 मिला क्या हो जाएगा 3M। यहां आप कॉमन निकालो, पहले कॉमन हो जाएगा 2M, बचेंगे M+1, यहां +1 कॉमन और क्या बचेगा M+1, और बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। M+1 कॉमन निकालोगे तो यहां हो जाएगा 2M+1 और बराबर में आ जाएगा 0। सबसे पहले आप M+1 को 0 करोगे तो यहां से M का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा। फिर दोबारा में आप 2M+1 का मान 0 करोगे तो भाई यहां से M का मान आएगा -1/2। देख लो यहां पर हमें M के दो मान प्राप्त हो गए। तो अगर आपसे कहे कि भाई पहले आप M का मान -1 मानकर चलो, पहले आप M का मान -1 मान लो, तो M1 का मान क्या हो जाएगा, M1 का मान हो जाएगा -1, भाई M के बराबर है ना, और M2 का मान क्या हो जाएगा -2। ये कब है, जब आप वैल्यू -1 मानकर चलते हो तब। अगर आप वैल्यू -1/2 मानकर चलते हो तो भाई यहाँ M बराबर अगर -1/2 लोगे तो M1 का मान हो जाएगा -1/2 और M2 का मान हो जाएगा -1, दोगुना करना है ना आपको, तो ये दो आंसर आपके आ जाएंगे। अगर आप ये वाली वैल्यू लोगे तो रेखाओं की प्रवणता ये वाली हो जाएंगी, अगर आप ये वाली वैल्यू मानकर चलते हो तो रेखाओं की प्रवणता ये वाली हो जाएगी। क्लियर है एकदम, ठीक है। तो भाई ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 11।